नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ में साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बिजली विभाग की तहरीर के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बख्शी तालाब थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। दरअसल साहू लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर बिना अनुमति 200 अवैध खंभे लगाने के आरोप है, लेकिन बिजली विभाग की शिकायत के बाद भी पुलिस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो साहू लैंड डेवलपर्स पर मेहरबान है पुलिस, कोई कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। 200 का आंकड़ा बताया जा रहा है वैध खंभों का जो लगाए गए थे बिना अनुमति के, इसके बाद भी कोई कार्रवाई इस कंपनी पर देखने को नहीं मिल रही है, जिसपे कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। बता दें कि बिजली विभाग के अनुमति के बिना इस कंपनी ने 200 खंभे लगाए थे और ऐसे में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। बख्शी तालाब थाने में कोई भी केस अभी तक दर्ज नहीं हुआ, जिससे कई सवाल पुलिस की कार्यशैली पर हो रहे हैं। साहू लैंड डेवलपर्स पर मेहरबान पुलिस अब नजर आ रही है। शुभम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको तो लगातार जो साहू लैंड डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जे और अवैध खंभों का मामला जो है, कह सकते हैं कि जमीन से लेके खंभों तक जो कब्जा है वो कहीं ना कहीं उनके पास देखा जा रहा है। लगातार जो साहू सिटी है वो चर्चाओं में रहता है, चर्चाओं में रहने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है। साफ कहा जा सकता है बिजली विभाग की तरफ से 200 खंभे की तहरीर जो है बख्शी का तालाब थाने पर दी गई थी, लेकिन 26 तारीख को तहरीर मिल देने के बावजूद जो है अभी तक जो है बिजली विभाग के अधिकारियों को बीकेटी थाने के जो लोग हैं जो पुलिसकर्मी हो कहीं ना कहीं टहलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक 4 दिन पूरे हो चुके हैं, FIR नहीं दर्ज हुई। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीकेटी थाने की और पूरी बिजली विभाग की अधिकारियों की मिली भगत है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि साहू सिटी पर मेहरबान है बीकेटी थाने की पुलिस, क्योंकि अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। क्योंकि लगातार जब बिजली विभाग के अधिकारी तहरीर देते, जाहिर सी बात है एक सरकारी अधिकारी जो है तहरीर दे रहा है उसके बावजूद जो है मुकदमा नहीं पंजीकृत हो रहा, तो जाहिर सी बात है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के लोग होंगे साहू डेवलपर्स के और किस तरीके की उनकी हनक रहती होगी उस क्षेत्र में, जिसकी वजह से अधिकारी जो है कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है, जबकि लगातार कह सकते हैं तहरीर मिलने के बाद अधिकारी जो है मामले को पंजीकृत कर लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस एक ऐसा मामला सामने आया लखनऊ में कि अभी तक बिजली विभाग की तहरीर मिलने के बावजूद जो है अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऊंची पहुंच और रसूख के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। अब देखना यह होगा कि लगातार जो इंडिया वाइज है इस मुद्दे को उठा रहा है उसके बावजूद भी खानापूर्ति सामने आती है, अधिकारियों की तरफ से कोई भी ठोस कदम जो है वो नहीं देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों की ऊपर तक मिली भगत है, जिसकी वजह से कोई भी सही जो कार्रवाई है वो नहीं देखी जा सकी है। जी बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है शुभम। और पहली चीज तो यह है कोई केस दर्ज नहीं हुआ, दूसरे में जो खंभों की संख्या है वो भी कम दिखाई जा रही है, जबकि आप खुद धरातल पर गए थे, आपने 500 से 700 खंभे की संख्या आकी थी, लेकिन ये पूरा मामला जो है 200 खंभों की संख्या पर आके टिक गया है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से साहू सिटी जो है वो लगातार लगभग 100 सैकड़ों बीघे में काम कर रहा है, सैकड़ों बीघे में काम करने के बावजूद वहाँ पर लगभग 700 खंभे के आसपास जो है परचेज किए गए थे। जिस जगह से परचेज हुए थे उस जगह का डेटा अगर बात करते हैं 500 से 700 खंभे आए थे, लेकिन सूत्रों की माने तो लगातार कह सकते हैं उसके बावजूद बिजली विभाग ने कहीं ना कहीं खानापूर्ति की कुछ हद तक, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बड़ी कंपनी नामचीन कंपनी होती है उसका रसूख ज़्यादा होता है तो अधिकारी जो है खानापूर्ति जरूर करते हैं, लेकिन इंडिया वाइज के जो सवाल थे जो मुद्दे थे उनको लेकर के अधिकारी भी दरकिनार नहीं कर पाए। उन्होंने भी माना कि विभाग के खंभे वहां लगाए गए हैं जिसकी वजह से उनको पूरी तरीके से अवैध खंभे हैं, जिनको लेकर के 200 खंभे पे मामले को सिमटाया गया, लेकिन मामले को सिमटाते हुए अधिकारियों ने तुरंत जो है जल्दबाजी में तहरीर जो है बख्शी का तालाब थाने पर दी थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई थाने पर कार्रवाई जो है नहीं देखी जा रही है। शुभम, या यहाँ पे मिली भगत भी सामने आ रही है कोई?
बिल्कुल कह सकते हैं साहू सिटी जो है वो लगातार जो है अलग अलग जगहों पे काम करता है। एक नामचीन लखनऊ की कंपनी है जो लगातार कह सकते हैं कि प्लानिंग को बनाता है, उसके बाद वहाँ पर अपने जो है प्लाटों को बेचता है और अपनी खुद की सिटी जो है डेवलपमेंट करता है। उसके साथ साथ कह सकते हैं अलग काफ़ी सारे लोग जो है उनके साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से अभी तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई है वो सामने नहीं आ पाई। जाहिर सी बात है, अगर 500 खंभे की जो बात इंडिया वाइज उठा रहा था उनको 200 खंभे में सिमटाया गया है जल्दबाजी में, उसके बावजूद थाने पर तहरीर जाती है, पुलिस जो है तहरीर के हिसाब से मुकदमा नहीं दर्ज करती है। अब जो सरकारी अधिकारियों को लखनऊ पुलिस टहलाएगी तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लखनऊ पुलिस काम कर रही होगी, किस तरीके से जो पुलिस है वो सवालों के घेरे में आती हुई दिखाई दे रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपके और हमारे साथ जब बिजली विभाग के उच्च अधिकारी जुड़े थे तो उन्होंने बोला था कि 1 से 2 दिन का हमें मोहलत चाहिए, उस दौरान हम कार्रवाई कर देंगे, FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो 8 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई का कुछ भी यहाँ पे एक तिनका तक नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, जाहिर सी बात है जब इंडिया वाइज ने इस मुद्दे को उठाया था, इंडिया वाइज के पास जब ये मुद्दा आया था, इंडिया वाइज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जल्दबाजी में अधिकारियों ने खानापूर्ति करते हुए 500 की बजाय 200 खंभे की बात को तहरीर दे दी। उसके बाद अभी भी शायद जो है अधिकारी नींद से नहीं जागे हैं कि उस पर कार्रवाई भी करनी है। कहीं ना कहीं ऊपर तक अधिकारियों की मिली भगत है और कहीं ना कहीं साहू सिटी का जो प्रेशर है वो अधिकारियों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आ पाई। देखना यह होगा कि अब किस तरीके की जो BKT थाने की पुलिस है वो किस तरीके के काम करती है, किस तरीके से तहरीर और काम करती है या नहीं है, एक बार फिर से इसको टरकाया जाता है। शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस, TMC, आप समेत कई पार्टियों के नेताओं ने दावा किया है कि उन्हें अपने फोन और ईमेल पर एप्पल की ओर से अलर्ट आया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा फोन ले जाओ, मैं दे देता हूं अपना फोन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ते रहेंगे। CBI, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह, एक्चुअली गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसा घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्स sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोहित्रा, राघव चड्ढा, TS सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व्ड है। और देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं, आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है,
जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। खबर में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी की जांच का दायरा अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक आ पहुंचा है। ईडी ने इस केस में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवम्बर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले इसी केस में सीबीआई ने अप्रैल में केजरीवाल से करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उनकी पार्टी को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस मामले में पलटवार करते हुए जांच को सही ठहराया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बना बनाकर, झूठे आरोप लगा लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि वो चुनाव में अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डाला जा रहा है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे, उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन इस मामले में पहले से चली हुई है और स्वाभाविक है कुछ साक्ष्य इस प्रकार के होंगे जिसके कारण पहले सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया और उसके पश्चात अब ईडी ने समन दिया है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये सारा मामला बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है
और स्वाभाविक रूप से इसमें गंभीर आरोप जो पुष्टि की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों की, इनके नेताओं की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और इसी मामले को लेकर के केजरीवाल जी को बुलाया है तो ये साधारण बात नहीं है, तो कुछ साक्ष्य होंगे और सच हैं तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, अगर गलत किया है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करे। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, इस दौरान देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है। जयंती के तहत देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर गुजरात के एकता नगर की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लोगों को एकता की शपथ दिलाई। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौथी तस्वीर ओडिशा के कटक की है, जहां रन फॉर यूनिटी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। और पांचवी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो भारत पा न सके, ऐसा कोई संकल्प नहीं है जो हम भारतवासी मिलकर सिद्ध ना कर सके। बीते 9 वर्षों में देश ने देखा है कि जब सबका प्रयास होता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। किसने सोचा था कि कभी कश्मीर आर्टिकल 370 से मुक्त भी हो सकता है, लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। सरदार साहब जहां भी होंगे सबसे ज्यादा प्रसन्नता अनुभव करते होंगे और हम सबको आशीर्वाद देते होंगे। आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साए से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश की एकता के रास्ते में, हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्व पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। ऐसी सोच से किसी समाज का भला नहीं हो सकता, इससे कभी देश का भी भला नहीं हो सकता। एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी सोच से हर पल, हर समय देश के हर कोने में
हर देशवासी को सावधान रहना ही है। और बुंदेलखंड का महोबा, वर्षों से पानी का संकट झेल रहे महोबा में जल जीवन मिशन की योजना नए आयाम स्थापित करने जा रही है। बुंदेलखंड की प्यास मिटाना पीएम मोदी और सीएम योगी की पहली प्राथमिकता है। जिंदगी में खाने से ज्यादा पानी का महत्व है। वो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। जीवन में पानी के इस महत्व को समझते हुए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है, जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तेजी से उतारने का काम कर रही है। यूपी में साल 2024 तक 2,62,29,815 परिवारों तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इसी कड़ी में महोबा में भी काम किया जा रहा है। बताते चलें कि जब टीम ग्राम कुटेरा पहुंची, तो वहां के ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन न आने के पहले काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल जाने में देरी होती थी, तो आम नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी आने लगा है, तब से हालात बिल्कुल बदल गए हैं। यदि नल का जाने अब तो और अब ये टोटी लग गई। अच्छा, पानी हमेशा आता है? हाँ, सुबह शाम हमें एक दिन में आवे। सर, हम पहले मतलब बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता था हमें, लेकिन जब से ये सुविधा हो गई है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पंप को भरना पड़ा तो साहब, और अब क्या सुविधा हो गई? घरन घरन हो गई। अब तो संतुष्ट है, साहब जितनी योजना आज है गवर्नमेंट की सब सही है। जल निगम के अधिशासी अभियंता के द्वारा बताया गया कि कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 90% कार्य को पूरा कर चुके हैं और करीब 200 से ज्यादा गांव में जल सप्लाई शुरू हो चुकी है। जल जीवन मिशन में महोबा जनपद के टोटल 1,32,000 परिवारों को लाभान्वित होगी, जिसमें अभी वर्तमान में 1,29,000 हम लोगों के कनेक्शन कम्प्लीट हो गए हैं और वर्तमान में हम लोग 97% हो गया है और 100% की अग्रसर है। योगी सरकार प्रदेशवासियों के लाभ के लिए हर सफल प्रयास कर रही है, जिससे लोगों के घर फ्री में शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और लोग गदगद होकर सरकार का आभार जता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।